बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, एक्सरसाइज नंबर है 3.7। एक्सरसाइज 3.7 जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। हमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। और कर्व की हमें जो है वो कर्व का फंक्शन गिवन है। कर्व का फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1। ये कर्व का फंक्शन है और हमें कहा गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व से जो बाउंड हो रहा है उसके अलावा द x एक्सिस से जो बाउंड हो रहा है एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तीन चीजें बताई गई हैं कि इन तीन चीजों से हमारा एरिया बाउंड हो रहा है। एक तो ये कर्व है, ठीक है, कर्व की बाउंड्री होगी। कर्व क्या है, कर्व का फंक्शन हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1, उसके अलावा एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा है और उसके अलावा एक्स इज इक्वल टू 2 एक लाइन है उससे बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो हम ग्राफिकली इसको जो है ड्रॉ करके या स्केच करके देख लेते हैं कि हमारा यानी कि रिक्वायर्ड एरिया है कौन सा। तो चलें एक्स वाई एक्सिस मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये हमारे पास जो है y एक्सिस है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसको स्ट्रेट कर लूँ ताकि हमारा ग्राफ जो है थोड़ा सा अच्छा बन जाए, ठीक है। तो ये स्ट्रेट होगी, उसके अलावा x एक्सिस भी ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये x एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रेट हो जाए। ये एक्स वाई प्लेन हमारे पास आ गया, यानी कि ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। इसके ऊपर पॉइंट्स हम कुछ बना लेते हैं, मतलब के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसी तरह से -1 नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1 -2 -3 एंड -4। और इस पे मैं आ जाता हूँ y एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इसको 9 कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव पे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अपने यानी कि कर्व जो है उसका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1। एक्स क्यू प्लस 1, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स हमारे पास होंगे तब जाके हम इसको प्लॉट कर सकेंगे, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि y को 0 पुट करते हैं और सबसे पहले तो x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, मतलब कि x पे कहाँ कहाँ पर ये ग्राफ कट करता है, ठीक है, किस किस पॉइंट पे ये ग्राफ पॉइंट जो है कट करता है। चले y इज इक्वल टू, मैं 0 पुट कर रहा हूँ। जब y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1, अब मैं किस तरह से x की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। x की पावर तो 3 है, क्यूब रूट तो हम यहाँ पर मुश्किल है ले सकें, ठीक है। तो ऐसा है कि हम इसको थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब कि मैं इसको एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ फार्मूला में। सपोज ये x का क्यूब इसको समझ लें आप, और 1 को हम 1 का क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब के जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी इस केस में एक्स इंटू 1 हो जाएगा एक्स, और प्लस बी स्क्वायर इज 1, जो कि इक्वल आ चुका है 0 के। अच्छा, अब यहाँ पर हमने हम देख रहे हैं कि दो
इनका प्रोडक्ट यानी कि दो एक्सप्रेशंस हैं इनका प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है। इसका क्या मतलब है कि आइदर ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है, तो हम इन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेते हैं। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब यहाँ से हम जो है फाइंड कर लेते हैं एक्स की वैल्यूज़। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। उसके अलावा आप ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं या फिर मिड टर्म पे कर सकते हैं। तो मिड टर्म चेक कर लेते हैं कि माइनस एक्स है, इसको हम किस में ब्रेक करें, दो फैक्टर्स में, कि इन दोनों का प्रोडक्ट बने, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट बने, अदरवाइज ऐड या सेपरेट करें तो वापस हमारे पास माइनस एक्स आ जाए। ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं, अगर मिड टर्म से ब्रेक नहीं होता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। ये आप अप्लाई करेंगे जब इस पे, ठीक है। तो इस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स नहीं आएंगे। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें तो रियल नंबर्स चाहिए। एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, मतलब कि जब हमारे पास y ज़ीरो है तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट लेंगे, x इक्वल टू माइनस वन। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ ज़ीरो और माइनस वन, एक ही पॉइंट बन गया ज़ीरो माइनस वन। x जहाँ पर ज़ीरो है और बल्कि नहीं, y जहाँ पर ज़ीरो है, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर माइनस वन कॉमा ज़ीरो आएगा, माइनस वन कॉमा ज़ीरो, ठीक है। जहाँ पर x माइनस वन है और y ज़ीरो है, ऐसा कौन सा पॉइंट बनता है, ऐसा पॉइंट ये है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है माइनस वन कॉमा ज़ीरो। अच्छा, अब चले मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ कि ये पॉइंट है माइनस वन कॉमा ज़ीरो। इसके अलावा आपने क्या करना है कि और भी मज़ीद पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। जब y को ज़ीरो पुट किया तो x ही आ गया। अब हम ऐसा करते हैं x को ज़ीरो पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो x एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन, यानी कि y इज इक्वल टू वन। तो पॉइंट हमारे पास क्या आता है, x 0 है और y 1 है, 0 कॉमा 1, एक ये पॉइंट आ गया। चलिए ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट बनता है, ठीक है। उसके अलावा और भी मजीद हम पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, और कौन से पॉइंट्स देख सकते हैं हम, 0 पे हमने यानी कि y 0 पे देख लिया, x 0 पे देख लिया। चलिए हम ऐसा करते हैं एक टेबल बना लेते हैं, टेबल जिसमें x के पॉइंट्स भी ले लेते हैं और y के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जिनकी मदद से हम अपना ग्राफ बना सकें, स्केच कर सकें। यहाँ पर x के पॉइंट्स, यहाँ पर y, ठीक है, तो कुछ तो हमने फाइंड कर लिए। जहाँ पर x ज़ीरो है वहाँ पर, जहाँ पर x ज़ीरो है वहाँ पर y जो है उसकी वैल्यू 1 है, और जहाँ पर y ज़ीरो है वहाँ पर x की वैल्यू क्या है, माइनस वन। ये तो दो हम फाइंड कर चुके हैं। उसके अलावा एक माइनस टू पे देख लेते हैं, x जब माइनस टू है तो y की वैल्यू क्या आती है, एट x इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन है या एक्स क्यूब प्लस वन था, एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट करना है माइनस टू, माइनस टू का क्यूब प्लस वन, y इज इक्वल टू दिस, और इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास y इक्वल टू माइनस सेवन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू माइनस सेवन। अब जब हमारे पास, अच्छा, माइनस टू हमने देख लिया, माइनस वन ज़ीरो, उसके बाद वन पे देख लेते हैं और टू पे देख लेते हैं, ठीक है। जब x इज इक्वल टू वन है, एट x इज इक्वल टू वन, तब हमारे पास y की क्या वैल्यू बनती है, वन का क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू टू, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ चुका है, टू आ चुका है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, और नेक्स्ट x इज इक्वल टू टू है, इस पर हम देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू टू y इज इक्वल टू
2 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 8 प्लस 1 इज 9, y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर हम ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि पॉइंट्स बन चुके हैं, इनको हम ड्रॉ करते हैं, दो पॉइंट्स तो हम प्लॉट कर चुके हैं। अब बाकी पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि माइनस टू कॉमा माइनस सेवन, यानी कि जहाँ पर एक्स जो है माइनस टू है वहाँ पर वाई माइनस सेवन, तो सेवन पॉइंट्स डाउनवर्ड हम जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये बनता है, ठीक है। तो इसके हॉरिजॉन्टल मैं लेकर जाता हूँ माइनस टू तक, ये पॉइंट बनता है, ठीक है, माइनस टू कॉमा माइनस सेवन। अच्छा, उसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हमने मज़ीद देखे हैं, वन जब एक्स वन है वहाँ पर वाई टू है, जहाँ पर एक्स वन है वहाँ पर वाई क्या है, यहाँ ये टू है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर एक्स टू है वहाँ पर वाई नाइन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि एक्स यहाँ पर टू है और वाई की वैल्यू नाइन हो जाती है, तो ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम ऐसा करते हैं, इसको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन करके देख लेते हैं हमारा ग्राफ की शेप क्या बनती है। चलें जी, इसको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इस तरह से करके, बल्कि यहाँ पर पॉइंट नहीं आता था, हमने माइनस टू पे बनाना था, यहाँ पर माइनस टू है, ये पॉइंट बनता है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये पॉइंट नहीं बनता, माइनस टू के मतलब उससे सीधा नीचे आए तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है, माइनस टू कॉमा माइनस सेवन। अच्छा, अब इसको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं इस तरह से, ये इसको मैंने ज्वाइन किया और आगे इसको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होंगे इस तरह से, और ये इसके साथ ज्वाइन होगा, और फिर ये एकदम ऊपर चला जाता है इस तरह से ग्राफ, ठीक है, मतलब कि इस तरह तकरीबन इस तरह का ग्राफ एक बन रहा है आपके पास, और ये बन गया ग्राफ, ठीक है, तकरीबन इस तरह से बनेगा। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और इस कर्व से जो बाउंड हो रहा है एरिया वो, और इसके अलावा एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू लाइन कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू टू लाइन जो है वन टू, एक्स यहाँ पर टू है तो एक्स इज इक्वल टू टू लाइन वर्टिकल लाइन बनती है इस तरह से, ठीक है, ये लाइन बनती है वर्टिकली स्ट्रेट आप इसे कह सकते हैं, ये तकरीबन लाइन बनती है। तो अब यहाँ पर जो हमारा एरिया बाउंड हो रहा है, अब आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया बनता है, एरिया हमारा ये बनेगा, चले हम इसको ऐसा करते हैं शेड कर देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद x इज इक्वल टू टू तक जाएगा, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, जहाँ पर ग्राफ की बाउंड्री है, ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड करना, मतलब ये एरिया हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस वन है, ठीक है, यहाँ माइनस वन है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टू है, मतलब कि अब हम इंटीग्रेट किसको करेंगे, हमने एरिया फाइंड करना, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ किसकी, जो हमें कर्व का फंक्शन की बनाए, कर्व का फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में लिमिट क्या लेंगे, x की वैल्यूज़ जहाँ जहाँ से मतलब कि हमारा रीजन बाउंड हो रहा है, ठीक है, माइनस वन से लेकर टू तक, माइनस वन से टू तक, तो इसको अब आपने इंटीग्रेट कर लेना है, तो आपके पास रिजल्ट में जो भी आएगा उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, तो आगे तो इंटीग्रेशन है ये, आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन। अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल इस मतलब कि इस टॉपिक के शुरू में मैंने कराई थी, ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर नाइन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या, क्वेश्चन नंबर नाइन में भी हमने एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया
between the curve y is equal to x into x minus 1 into x plus 1 and the x axis. ठीक है, अब यहां पर हमें दो चीजें सिर्फ गिवन है कि एक हमारा रीजन किससे बाउंड हो रहा है या एरिया किससे बाउंड हो रहा है. एक तो हमारे पास कर्व है y is equal to x into x minus 1 into x plus 1. ठीक है, ये हमारे पास कर्व है, कर्व का फंक्शन गिवन है. उसके अलावा इस एक तो इससे बाउंड हो रहा है रीजन हमारा, और उसके अलावा x एक्सिस से बाउंड हो रहा है. ठीक है, उसको हमने एरिया फाइंड करना है. चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको ड्रॉ करके देखते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करते हैं. ठीक है, पहले तो अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि इसको स्ट्रेट करूँ ताकि हमारा जो ग्राफ है वो एक अच्छी शेप में आ जाए. ठीक है, तो ये है y एक्सिस और इसी तरह से ये x एक्सिस. इसको भी मैं स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ. जी, ये स्ट्रेट लाइन. अब हम ऐसा करते हैं कि हम मतलब एक्स वाई प्लेन तो मैंने बना लिया, अब हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे. ठीक है, तो पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो y को इक्वल जीरो पुट करते हैं एट y इज इक्वल टू जीरो. y जब हम जीरो पुट करते हैं हमारे पास क्या आता है? x इंटरसेप्ट्स आते हैं. ठीक है, x इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर हमारा ग्राफ जो है x एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट करता है, किस किस पॉइंट पे कट करता है. ठीक है, तो ये है ये इक्वेशन आ जाएगी जीरो इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. आइदर x इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है x इज इक्वल टू जीरो एक पॉइंट आ चुका है, x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा. ठीक है, ये तीन वैल्यूज आ चुकी हैं x की. तो हम यहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एक पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो और एक पॉइंट है जीरो बल्कि वन कॉमा जीरो, उसके अलावा माइनस वन कॉमा जीरो. ये तीन पॉइंट्स हैं. ठीक है, x की वैल्यूज चेंज हो रही है लेकिन y सेम जीरो ही है. तीन पॉइंट्स ही आ गए हैं. ऐसा हम करते हैं कि अब हम टेबल बना लेते हैं. ठीक है, ताकि कुछ पॉइंट्स हम फाइंड करें और हम ये टेबल की मदद से ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, अब ये x के पॉइंट्स यहाँ पर y, उसके अलावा हमने जो फाइंड किए हैं एक तो मैं वो लिख दूंगा, एक और बना लेते हैं. अच्छा, यहाँ पर जीरो मैं लिखता हूँ कि x जब जीरो है तो y भी जीरो है. ठीक है, ये पॉइंट जो है मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पर x जीरो है वहाँ पर y भी जीरो है. उसके अलावा जहाँ पर y हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास x माइनस वन भी आया और एक दफ़ा हमारे पास x जो है पॉजिटिव वन भी आया. ठीक है, उसके अलावा माइनस वन के बाद माइनस टू देखते हैं. माइनस टू पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है? एट x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करके देखते हैं. y इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस वन. इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें. माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस वन. ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव थ्री आ जाएगा. पॉजिटिव थ्री को जब हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस सिक्स आएगा. मतलब y की वैल्यू हमारे पास माइनस सिक्स आ गई जब x क्या है? माइनस टू है. इसी तरह से जब हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव टू हो तब हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी? पुट करके देख लेते हैं. एट x इज इक्वल टू पॉजिटिव टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन. तो ये बन जाएगा टू इंटू वन इंटू थ्री. ये पॉजिटिव सिक्स आ जाता है. y इज इक्वल टू पॉजिटिव सिक्स. अच्छा, उसके बाद देखें, चलें ये पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स. ठीक है, एक पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो यहाँ पर,
एक पॉइंट है, चले उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले डिवाइड करते हैं, 1 2, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। सपोज ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। इस तरह से, उसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 एंड 3, और y कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो हम 6 पे लेके जाते हैं। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आकर 6। इसी तरह से -6 भी आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 यहाँ पर आकर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने पॉइंट्स प्लॉट करने, तो एक 0,0 हो गया, ये पॉइंट हो गया, एक 1,0 है, एक ये पॉइंट हो जाएगा। उसके अलावा -1,0 ये पॉइंट है, उसके अलावा 1,0 ये पॉइंट हो जाएगा। और बाकी टेबल से देख लेते हैं, -2 पे -6 है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर x -2 है वहाँ पर y क्या है, -6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर करके ये पॉइंट बनता है, -2,-6। उसके बाद 2 पर 6 है, यानी कि जहां पर x की वैल्यू 2 है वहां पर y की वैल्यू 6 है। इस तरह से ये पॉइंट बनता है। अब इसको हमने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो चले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। बल्कि अब यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स जो है सेम एक लाइन पर हैं, तो क्या ये इस तरह से ग्राफ बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगी या क्या बनेगा, ठीक है, उसका हमें नहीं पता। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कोई भी एक एक्स की वैल्यू लेते हैं और वो पुट करके देखते हैं कि वाई की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो 0 से -1 से 0 के दरमियान में क्या आता है, -1/2 आता है, तो -1/2 पे भी हम चेक कर लेते हैं, -1/2 पे क्या वैल्यू आती है, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू -1/2 पुट करके देखते हैं, वाई इज इक्वल टू -1/2 × -1/2 -1 × -1/2 +1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे जब, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, 3/8, ठीक है। और इसी तरह से 1/2 पे आपके पास -3/8 आएगा। मतलब कि जब हमारे पास -1/2 है उस वक्त हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है वाई की, ठीक है। 3/8 मतलब कि 1 और 0 के दरमियान में कहीं पर भी हो सकती है। तो इस तरह से ये कर्व, पहले तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से ये कर्व बनती है, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये नेगेटिव आती है, यानी कि 1/2 यहाँ पर करके लाए ना, लाए कर रहा है, तो यहाँ इस पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ से ये नेगेटिव से पास करेगा। उसके बाद ये इस तरह ऊपर की तरफ चला जाता है और इस पॉइंट को मीट करता है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं, तकरीबन इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनता है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने एरिया फाइंड करना है, कि जो एक तो इस यानी कि इससे बाउंड हो रहा है कर्व से, और दूसरा किससे बाउंड हो रहा है, एक्स एक्सिस से। तो एक तो ये हमारे पास रीजन आ जाता है जिसका हमने एरिया फाइंड करना, दूसरा ये रीजन आ जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान जो रीजन बनता है, ये दोनों रीजन बनते हैं। इन दोनों का हमने एरिया फाइंड करना है। दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास, एक तो मैं यहाँ पर बताऊँ कि ये एक्स -1 है, यहाँ पर एक्स जो है वो +1 है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो हमने किस तरह से फिर इंटीग्रेट करनी, फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स इंटू एक्स -1 इंटू एक्स +1, ठीक है। बल्कि मैं इसको लिखता हूँ, लेकिन दरमियान में हमारे पास जो है रीजन 0 हो रहा है, ठीक है, मतलब एरिया 0 हो रहा है। तो हम
इसको अलहदा से इंटीग्रेट करेंगे और इस लिमिट के लिए अलहदा से इंटीग्रेट करेंगे। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि माइनस वन से लेकर ज़ीरो तक हम अलहदा से इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, ठीक है, जिस तरह से आपको ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दूसरा एरिया, ठीक है, ये ज़ीरो से वन तक, ज़ीरो से वन तक का एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, वही फंक्शन वही सेम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें, ये जीरो माइनस वन से ज़ीरो के लिए ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मैंने रहने दूंगा। उसके अलावा ज़ीरो से लेकर वन तक आप देखें तो ये नेगेटिव हो जाता कर्व, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करना तो आपको आता ही है, अब आ ही चुका होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट में एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी जो कि एरिया होगा इस बाउंडेड रीजन का, ठीक है, यानी कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 3.7 भी एंड होती है।